शोज में जितना अहम बड़े कलाकारों का योगदान होता है उतना ही बाल कलाकारों का भी, जो अपने चुलबुले और नटखट भरे अंदाज के साथ अपने किरदारों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते हैं और दर्शकों से खूब वाह-वाह लूटते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीतने वाले ये बाल कलाकार इन बीते सालों में काफी बदल गए हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर पहचान पाना मुश्किल है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी जगत से जुड़े कुछ ऐसे ही बाल कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं जो आज काफी बड़े हो गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अशनूर कौर। इस लिस्ट की पहली कड़ी में चाइल्ड आर्टिस्ट अशनूर कौर का नाम शामिल है, जिन्होंने साल 2009 में आए सीरियल झांसी की रानी में प्राची का किरदार निभाकर काफी मशहूर हुई और आज इस सीरियल को बीते 11 साल हो गए हैं। तो वहीं अभिनेत्री अशनूर कौर भी पहले के मुताबिक बहुत बदल गई हैं। अब ये क्यूट और सुंदर दिखती थी और आज ये काफी गॉर्जियस और स्टाइलिश नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो हाल ही में सीरियल पटियाला बेब्स में मिनी का किरदार निभाती नजर आई थी। नंबर 2, जन्नत जुबैर रहमानी। कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो फुलवा, जो आज भी लाखों लोगों को बखूबी याद है, जिसमे एक छोटी सी बच्ची फुलवा के किरदार में नजर आई अभिनेत्री जन्नत जुबैर रहमानी, जो अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से सीरियल में 4 चांद लगा चुकी थी। पर इस सीरियल के बीते इन 7 सालों में जन्नत जुबैर काफी बदल गई हैं और आज इन्होंने 21 की उम्र कंप्लीट कर ली है। साथ ही पहले के मुताबिक आज ये काफी ज्यादा अलग दिखती हैं। तब इनकी डल स्किन थी, पर इनकी स्माइल बहुत क्यूट थी और आज ये बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती है, जैसा की आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 3, अविका गौर। चाइल्ड आर्टिस्ट अविका गौर बालिका वधू में एक छोटी बच्ची आनंदी के किरदार में नजर आई और इनके इस किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बता दें, सीरियल को बीते 12 साल हो गए हैं और इन बीते 12 सालों में चाइल्ड आर्टिस्ट अविका गौर बहुत बड़ी हो गई हैं। इन्होंने आज 23 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। साथ ही जहां ये पहले सिंपल और मासूम दिखती थी, पर आज ये बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है और अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। नंबर 4, इशिता पंचाल। सीरियल उत्तरण, जो आज भी लाखों दर्शकों का फेवरेट सीरियल बना हुआ है और इस सीरियल में तपस्या के बाल कलाकार के किरदार में नजर आई अभिनेत्री इशिता पंचाल थी, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से इस सीरियल में 4 चांद लगा दिए। और बीते इन सालों में अभिनेत्री इशिता पंचाल बहुत बड़ी हो गई है। इन्होंने आज अपनी 22 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है। जहाँ ये सीरियल में फ्रॉक पहनती थी और बेबी हेयर कटिंग में नजर आती थी, वहीं आज ये जीन्स टॉप कैरी करती हैं और इनके बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं। साथ ही ये देखने में बहुत सुंदर दिखती हैं। फिलहाल इन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है और पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। नंबर 5, स्पर्श खानचंदानी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेत्री स्पर्श खानचंदानी का नाम शुमार है, जो सीरियल उत्तरण में छोटी इच्छा का किरदार निभाती नजर आई थी और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कान से लाखों दर्शकों के दिलों को खूब जीता। आज स्पर्श खानचंदानी 20 साल की उम्र कम्प्लीट कर चुकी है। जहाँ ये सीरियल में फ्रॉक पहनती थी, आंखों में काजल और 2 चोटी में दिखती थी, वहीं आज जीन्स टॉप कैरी करती हैं और देखने में बहुत क्यूट लगती हैं। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो साल 2018 में आई फिल्म हिचकी में ओरू का किरदार निभाती नजर आई थी। तो दोस्तों, आपको इन चाइल्ड एक्ट्रेसेस में से किसका बदला हुआ रूप ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।